अगर मैं कुछ अपने बारे में बता दूं तो उर्दू से मेरे सारी ज़िंदगी का ताल्लुक है, उर्दू और रेडियो। यूनिवर्सिटी के बाद मैंने फौरन, मतलब यूनिवर्सिटी से फारिग होने से पहले मैंने उर्दू सेक्शन में, मॉस्को रेडियो के उर्दू सेक्शन में काम करने लगी। अच्छा फिर मैं प्रैक्टिस के लिए गई तकरीबन 1 साल के लिए, और फिर वापस आ गई, और इसके बाद सारी ज़िंदगी वाबस्ता है। लेकिन मुझे कई बार, जैसे कि हम सब लोगों को इंटरव्यू देना पड़ा था उर्दू में, तो एक बार नहीं, कई बार मुझसे पूछा गया, लेकिन एक बार पूछा गया, वेरी, आपने क्यों उर्दू को मुंतखब किया? तो और सोच के मैंने कहा, खुदा ने चाहा। और इस अखबार ने इस नाम के साथ, उनवान के साथ मजमून शाये किया, इरीना ने कहा खुदा ने चाहा। वाह, मुझे वो ओके। बहुत पसंद इरीना ने आए, कहा खुदा ने खुदा, चाहा। इरीना ने कहा ये खुदा ने चाहा। सच शायद ये हुस्न इत्तेफाक था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सारी जिंदगी इस सबसे खूबसूरत, शरीन, प्यारी जबान से वाबस्ता है। और रेडियो, रेडियो ये मेरी जिंदगी का एक जुज है। कभी बहुत पुराने जमाने में लुधमिला ने भी रेडियो में काम किया था, कुछ अरसे के लिए नाताली भी हमारे साथ दावों करती थी। और मैं समझती हूँ कि रेडियो, शायद आप भी राजी होंगे, ये लोगों के दिलों तक पहुँचने का सबसे सीधा बिल्कुल, और सबसे तेज और सबसे मुख्तसर रास्ता है। टीवी से भी ज्यादा, टीवी से, टीवी से भी जी बहुत ज्यादा। लेकिन टीवी यहाँ मुझे पे ज्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि आप तस्वीर को हाँ देख सकते हैं, मैं तो हमेशा टीवी को अच्छा, देखती यहाँ हूँ। पे लोगों का ज्यादा लगाव टीवी से है या रेडियो से? टीवी, शायद टीवी वही से, टीवी तो आई थिंक ये यूनिवर्सल है, हर जगह ये पे लोग टीवी। मीडियम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा जमाना आ जाता है, खुदा करे कि वो कभी ना आ जाए, जब टीवी भी काम नहीं करता, सिर्फ रेडियो रह जाता। जब करना चाहते। चिचनिया में जंग हो रही थी, तो हमारे रेडियो में चिचनिया से आए हुए जर्नलिस्ट, सहाफी भी काम करते थे, और हमारे एक प्रोग्राम था, इट वॉज कॉल्ड चिचनिया स्वाबोधनाया, फ्री चिचनिया, वो मॉस्को से नशर किया जाता था। 1965 के हमने जंग के बहुत किस्से ओ कहानियां ओ सुन रखे हैं। पाकिस्तान और भारत की जो जंग जी थी, जी जी मैडम नूर जहां जो है जी जी वो जी रातों रात कहते हैं कि जी उनके लिए वो नगमे लिखे जाते थे, रेडियो आती थी रिकॉर्ड करवाती थी और रेडियो पे वो चला करते थे, और इस तरीके से वो सोल्जर्स का भी और जो आम लोग थे पाकिस्तानी जी उनका जोश बढ़ता प्रभाव था, लोगों जाहिर को करे सपोर्ट थे। करने जी आते थे। सो मच बिल्कुल सो कि यहाँ तक था कि खवातीन जो है वो अपनी ज्वेलरी, अपने जेवर वो देकर वहां चली गई। इतना बिल्कुल जज्बा था उस टाइम पे जी और जी उन जी नगमों की वजह से। मीडियम क्या था, अगेन कहने का मकसद, रेडियो, रेडियो, रेडियो के थ्रू ये चीजें जो हैं वो आवाम तक पहुंच रही थी। आई एग्री विद यू 100%। चले, जबरदस्त।